जय माता दी। कैसे हैं आप सब? रूपा हॉस्टल में आपका स्वागत है। तो गाइस देखिए, हम तीनों को लग चुके हैं चश्मे। हम हैं गांधी जी के तीन बंदर बन गए हैं। तो निकुंज, जीत और मैं। पहले निकुंज को आई फ्लू हुआ, फिर जीत को हुआ, फिर मेरे को हो गया। और ये शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर दूध चाय। बच्चों का दूध मैं बना चुकी हूँ और अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ। तो मैं दो कंटेनर में चीनी इसलिए कर रही हूँ कि आज मंडे का व्रत है, तो व्रत की चीनी मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि कभी भी हम कितना भी ध्यान रखें कभी ना हमारे हाथ ना लग ही जाते हैं। इसलिए मैं ना हमेशा चीनी और पत्ती अलग ही रखती हूँ व्रत के लिए। तो बस यहाँ पर बच्चों को दूध दे दूँगी और मेरी चाय बन गई है। तो उसके साथ मैंने बनाए हैं मखाने। रात में सुबह के खाने के लिए जो बादाम छुआरे भिगो के रखती हूँ ना, तो मैंने सुबह सबको दे दी और मेरा ध्यान नहीं रहा। और इधर मेरी बन रही है चाय, तब तक मैं कर लेती हूँ अपने बर्तन साफ। मेरे बर्तन पड़े हुए थे। तो गाइस मम्मी बर्तन साफ कर रही है और मैंने सोचा कि मैं तब तक मम्मी की चाय छान देता हूँ, क्योंकि सबको आई फ्लू लेकिन तब भी मम्मी सारे काम कर रही है। तो मैंने सोचा मैं भी मम्मी की हेल्प कर देता हूँ। और ये मैं बस वीडियो बनाने के लिए नहीं कर रहा, सच में कर रहा हूँ। मम्मी से पूछ लो करता है भाई, करते हैं दोनों बच्चे मेरी हेल्प कर। मम्मी की चाय चल रही है, मम्मी आराम से बैठ के अपनी चाय पी रही है। चाय पी लेते हैं। देखिए जीत ने जो धमकी थी ना, मेरा और जीत का दोनों धंधे हैं और चार लग रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी हद तक उसने ठीक कर दिए हैं। और इधर मैं किचन वगैरह सब साफ कर दूँगी, क्योंकि शाम को व्रत है, व्रत का खाना बनाना है। तो सारा मैं पोंछ दूँगी, फिर मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी, बस मुझे फटाफट बनाना ही है। और देखती हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि बिल्कुल भी ना आँखें खोलने का मन नहीं कर रहा। और ये अब मैं अभी अपनी चाय और मखाने साथ में जो भुनी थी बस वो खा लेती हूँ। और इधर ना जीत मेरे ना देखिए दवाई डाल रहा है, और सच पूछो ना तो मुझसे ना दवाई नहीं डलवाई जाती आंखों में। मुझे बहुत अजीब लगता है कि क्या हो जाएगा, मुझे बहुत डर लगता है। और देखिए ये फिर भी ज़बरदस्ती करके ना मेरी आंखों में दवाई डाल ही दी इसने, बहुत तेज़ जलन सी होती है। थी तो उन्हें भी मैं समेट देती हूँ। और ये एक दिन पहले धुली थी मैं, आज के नहीं है मेरे। और कितना भी कब तक लेटे रहेंगे, काम तो देखिए करना पड़ता है, क्योंकि नहीं उठेंगे तो सारा घर बेकार हो जाता है। और ये मैं आ गई हूँ मार्केट, तो मंडे में ना हमारे पास में ही मार्केट लगता है। तो मुझे अपनी कैंची पे ना धार लगवानी थी, वो ख़राब हो रही थी, चल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं मार्केट आई, नहीं तो मुझे आने का मन भी नहीं हो रहा था। और देखिए यहाँ पर ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि कपड़े वगैरह तो मैं कभी नहीं खरीदी हूँ यहाँ से, लेकिन ख़रीदने वाले ख़रीदते हैं। और देखिए मैं वापस आ गई हूँ, बस मैंने अपनी कैंची पे धार लगवाई और एक मुझे रस्सी की ज़रूरत थी तो मैंने एक रस्सी ली।
देखिए फिर से वही प्रोसेस शुरू हो गया है कि आँख में दवाई डलवा लो। और सच में मुझे बहुत डर लगता है, मैं इनसे बोल रही थी कि मैं खुद से डालूँगी। एक तो आँख में ना इतना पानी आ रहा, बार बार आँख खोलने का मन नहीं कर रहा था, नहीं कुछ मेरा हाथ पकड़ रहा था ये दिखाने के लिए, नहीं बाकी भी ना मुझे बहुत डर लगता है आँख में दवाई डलवाते, पता नहीं अजीब इतना क्यों मुझे लगता है। और इधर इन्होंने भी दवाई डाल ली थी और मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा ना भूख लग रही है चलिए जल्दी खाना खा लेते हैं, तो इन्होंने चेंज भी नहीं किया और ये खाने के लिए हाथ मूल के बैठ गए। तो आज मैंने इनसे पहले ही पूछ लिया था कि आज मैं चीनी के पराठे बनाऊंगी, आप उसी से खा लोगे, तो इन्होंने कहा कि चल ठीक है कोई नहीं, तेरी आँख में दिक्कत हो रही है तो मैं ऐसे ही खा लूँगा। तो हमने ठंडा दूध ले लिया फीका और उसी के साथ हमने मीठे पराठे खा लिए। और इधर देखिए किचन का भी सारा काम मेरा हो गया है, बर्तन वगैरह सब साफ कर दिए हैं और ये जो पानी की बोतलें भरने का काम भी होता है, बच्चे कभी कभी तो कर लेते हैं और कभी नहीं भी करते, तो वो दोनों पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ, कोई नहीं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। और इधर मैं ना ये चने भिगो के रख दी थी, इन चनों में भी ना बारीक सी ना सुजली हो गई थी, तो इन्हें मैंने दिन में भिगो के रख दिया। अब मैं देख के ना इनको साफ़ कर दूँगी क्योंकि सुबह मुझे सवेरे बच्चों के स्कूल जाने से पहले ये उबालने हैं, तो इसलिए मैं इन्हें भी साफ़ करके फिर से भिगो के रख दूँगी। वैसे तो काफ़ी हद तक ये मतलब पूरी तरह से ना फूल गए हैं। तो गाइज़ मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के